हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो क्या कह रहा है, फंक्शन गिवन है एफ एक्स और जी एक्स और ये आपको वैल्यूज निकालनी है इसकी। तो सबसे पहले फर्स्ट केस देखो, यहाँ सबसे पहले एफ ऑफ एफ की वैल्यू निकालनी है फंक्शन की एट 3 पर। तो 3 पर निकालनी है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 7, 3 जा 9 प्लस 7। एक मिनट, ठीक है। तो आपने इसको ऐड, अब अगली वाली क्या है, जी की मतलब जी वाला जो फंक्शन है उसमें वैल्यू पुट करनी है एट -5। तो ये 9 प्लस 7 ये हो गया था 16 आपके पास, ठीक है। अगला देखो, अगला निकालना है जी एट -5। तो जी वाला फंक्शन ये रहा 3, यहाँ -5 आएगा, 13 प्लस 5 माइनस का 10। अब आपको करना क्या है, एफ ऑफ 3 जी की वैल्यू -5 पर 16 माइनस 10 यानी कि 6 आंसर हो गया। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। सेकंड केस देखो, एफ की वैल्यू पहले -2 पर निकालो, ये रही +7 11। अब क्या नहीं बोल रहा, जी की वैल्यू निकालो -1 पर, क्या बोल रहा है, अब इन दोनों का ऐड कर दो, एफ ऑफ -2 प्लस जी की वैल्यू -1 पर 11 प्लस 2 13, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड बोल रहा है एफ की वैल्यू निकालो पहले हाफ पर, फंक्शन की वैल्यू स्क्वायर प्लस सेवन, ठीक है। 1 प्लस 4 7 28 अपॉन 4 29 अपॉन 4। अब जी की वैल्यू निकालो 14 पर, ठीक है। अब आपको इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई एफ की वैल्यू हाफ पर मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 14 पर। सिंपली क्या कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आ जाएगा आपके पास, 29 मल्टीप्लाई 47, हाउ मच, 1363। चाहो तो और सिंपल मतलब मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेना, बाकी कोई इशू नहीं है ऐसा। फोर्थ और देख लो आप, एफ की वैल्यू टी पर कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर +7, एफ की वैल्यू फिर -2 पर, -2 का स्क्वायर +7, 2 2 4 प्लस 7 यानी 11। अब आपको एफ ऑफ टी में से माइनस करना है एफ ऑफ -2, टी की वैल्यू है टी स्क्वायर +7 माइनस इसकी वैल्यू है 11। बताओ क्या समझ नहीं आया, क्लियर है। सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1।